जो चौथी किस्म है यानी टाइप वन जो होती है उसमें क्या होता है कि आवल का बेहतरीन ज़्यादातर हिस्सा जो है वो क्या होता है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। मैं आपके लिए वक्तन फवक्तन आपकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए कुछ वीडियोस लेके आती हूं और इसमें आपके लिए रिक्वेस्ट ये है कि मैं अपने काफ़ी बिज़ी शेड्यूल से ये आपके लिए टाइम निकालती हूँ तो मेरी हौसला अफज़ाई हो जाती है अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर की दीजिएगा ताकि हमारा जो बेसिक मकसद है वो पूरा हो सके। आज हमने बात करनी है आवल का नीचे होना, यानी बहुत सारी ख्वातीन अक्सर हमसे आके पूछती हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारी आवल नीचे है तो इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको, अगर आप एक नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस अगर देखते हैं या इवन सजेरियन सेक्शन में भी देखते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि पहले बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो एक बच्चे को जो खून मुहैया करने वाला अज़ा होता है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो डिलीवर होता है जिसको कि आवल कहते हैं। अब आवल का बेसिक मकसद क्या होता है कि ये बच्चे को खून प्रोवाइड करती है और इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे हार्मोन पैदा करती है जिससे कि बच्चा जो है वो 9 महीने माँ के पेट में महफूज रहता है। अगर वो हार्मोन कम हो जाए तो बाज़ वक़्त से पहले दर्दें लग जाती हैं या फिर बच्चा जो है वो ज़ाया भी हो सकता है। तो कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से जो यूट्रस होती है उसमें बच्चा जो होता है वो फ्रंट पे होता है, नीचे की तरफ होता है, और ऊपर जो होती है वो आवल होती है, साइड पे भी हो सकती है, फंडस पे भी हो सकती है या लेफ्ट या राइट साइड पे भी हो सकती है। तो ये कुदरती तौर पे नॉर्मल ऐसा होता है। अब कुछ मरीज़ों के अंदर क्या होता है कि बच्चा ऊपर होता है और बच्चेदानी के मुंह के आगे बिल्कुल आवल पड़ी होती है। इसके 4 ग्रेड होते हैं, उसमें ये है कि अगर आवल बिल्कुल बच्चेदानी के मुँह के ऊपर पड़ी हुई होती है तो उसको हम कहते हैं ग्रेड 4। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो बच्चेदानी के मुंह के आगे क्या है आवल पड़ी है तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल मुमकिन नहीं होती है, और बल्कि बाज़ुकात जो है वो अगर मरीज़ को दर्दें लगती हैं तो ऑपरेशन करना पड़े तो बाज़ुकात इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि बच्चेदानी निकालनी पड़ सकती है। दूसरा जो है नंबर पे आता है ग्रेड 3, उसमें क्या होता है कि यूट्रस जो आवल होती है वो बच्चेदानी के कम्प्लीटली मुंह पे नहीं पड़ी होती, उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो बच्चेदानी की दीवार के साथ होता है और एक हिस्सा बच्चेदानी की के मुंह के ऊपर होता है और वो मुकम्मल तौर पर उसको कवर कर रहा होता है। इसको कहते हैं ग्रेड 2। इसके अंदर भी नॉर्मल डिलीवरी का चांस बिल्कुल नहीं होता है और जो है वो, लेकिन इसमें ये होता है कि आवल जो है वो अपनी जगह छोड़ देती है और ब्लीडिंग कम हो सकती है। 100 में से तकरीबन 50% चांस है कि यूट्रस रिमूव होगी, 50% चांस है कि यूट्रस रिमूव नहीं होगी। अब जो जो 2 है उसमें ये होता है कि आवल जो होती है वो मेनली बच्चेदानी की दीवार के साथ लगी हुई है लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो सर्विक्स को या बच्चेदानी के मुंह तक पहुंच रहा है और वो उसे मुकम्मल तौर पे कवर नहीं कर रही है, पार्शली कवर कर रही है। मेन हिस्सा उसका ऊपर है लेकिन कुछ हिस्सा उसका बच्चेदानी के मुँह के ऊपर भी पड़ा हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर पर वो नहीं कर रही। इसमें भी डॉक्टर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेते हैं और इसमें भी सर्जरी करते हैं लेकिन इसमें ये होता है कि बच्चेदानी के निकालने का खदशा कम होता है, बहुत ज़्यादा हैमरेज का खदशा जो है वो कम होता है और मोस्टली जो है वो ये जो है मरीज़ जो होते हैं उनकी डिलीवरी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। जो चौथी किस्म है यानी टाइप 1 जो होती है उसमें क्या होता है कि आवल का बेहतरीन ज़्यादातर हिस्सा जो है वो क्या होता है दीवार के साथ बच्चेदानी के साथ लगा होता है और सिर्फ कुछ हिस्सा होता ऐसा होता है जो कि बच्चेदानी की मुँह तक पहुँच रहा होता है लेकिन वो बच्चेदानी के मुँह को टच नहीं कर रहा होता। इसको टाइप 1 प्रीविया कहते हैं। ये वक्त के साथ साथ ये आवल जो है ये ऊपर चली जाती है और बच्चा नीचे अपनी जगह बना लेता है और इन केसेस के अंदर नॉर्मल डिलीवरी जो है वो चांस काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये तो 4 किस्में हो गई। टाइप 4 जिसमें बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है, तो टाइप 3 में है कुछ हिस्सा बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है और कुछ हिस्सा दीवार के साथ है। दूसरी किस्म वो है जिसमें कि दीवार के साथ ज़्यादा हिस्सा है और कुछ हिस्सा जो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है वो उसे मुकम्मल तौर पर कवर नहीं कर रहा, वो आधा कवर कर रहा है। और तीसरा वो है जिसमें ज़्यादातर है सिर्फ दूसरा सिर्फ वहाँ तक पहुँच रहा है। अब इसकी जो आवल नीचे होना है इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है,
सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के जो आवल नीचे वाले मरीज़ होते हैं उनको जो छठे सातवें आठवें या नौवें महीने के अंदर खून छूट सकता है। जाहिर है कि जैसे ही कोई वो हैवी एक्टिविटी करती हैं या इवन बच्चे की मूवमेंट से या बाज़ औक़ात हल्की फुल्की पेन स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि वो आवल्स के अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे कि ये मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि हमें वक्त से पहले जो है वो मरीज़ की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेट करना पड़ सकता है और बच्चे को वक़्त से पहले डिलीवर करना पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर, अच्छी डॉक्टर अपनी तरफ से यही कोशिश करती है कि ब्लीडिंग को रोक लिया जाए, एचबी को पूरा रखा जाए, मरीज़ को उसके खून का ग्रुप पता होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ऐसे 3 से 4 लोग मौजूद हैं जिनके साथ उसका खून मैच करता है और वो किसी इमरजेंसी की सूरत में उसको दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। दूसरी कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होती है कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती है और टाइप 4, टाइप 3 और टाइप 2 के अंदर जो है वो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेते हैं और इसमें नॉर्मल डिलीवरी पे नहीं जाना चाहिए। और अगर आपका पहले से ऑपरेट हुआ है तो इसके अंदर जो है वो अगर आपका सी सेक्शन होता है तो हो सकता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, आपकी डॉक्टर 4 से 5 बोतल खून की बंदोबस्त का आपको कह सकती है और बाज़ औक़ात माँ की जान बचाने के लिए इवन बच्चेदानी को निकालना पड़ जाता है ताकि आवल भी साथ ही निकल जाए और ब्लीडिंग जो है वो रुक सके। इसके बाद जो तीसरी और सबसे अहम कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आवल नीचे है और जो है वो मरीज़ को बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो इस सूरत हाल के अंदर बच्चे की ग्रोथ भी मुतासर हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ग्रोथ जो है वो जब जो जो ब्लीडिंग होती है माँ की एचबी कम हो जाती है, खून कम हो जाता है, बच्चे को खून कम जाता है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ का भी जो है वो भी मुतासर हो सकती है। इसके अलावा देखा यह गया है कि जिन मरीज़ों की टाइप 1 प्रीविया होता है उनके अगर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाए तो उसके अंदर उनको आम औरतों से ज़्यादा खून पड़ता है और उस सूरत के अंदर जो है वो उनकी जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपकी आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको डॉक्टर ये बताते हैं कि आपका आवल नीचे है तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी अभी कौन सा मंथ है। अगर आपका 5th मंथ है और आपकी बच्चे नॉर्मल पैदा हो रहे हैं, कोई आपका ऑपरेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आवल का बच्चेदानी के मुंह के साथ जुड़ने के इम्कानात बहुत कम हैं। जो जो बच्चा ग्रो करेगा वो नीचे अपनी जगह बना लेगा और आवल ऊपर को चली जाएगी और बच्चे की और आपको ब्लीडिंग वगैरह भी होने का चांस कम है। लेकिन वो मरीज़ जिनके पहले ऑपरेट हुए हैं और उनकी आवल नीचे है और 8वें महीने तक उनकी आवल नीचे रहती है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। वो छोटे क्लिनिक्स के अंदर अपना ऑपरेशन ना करवाएं, किसी प्रॉपर बड़े हॉस्पिटल के अंदर बताएं जहाँ पे ब्लड बैंक मौजूद हो, कम से कम 4 से 5 जो ब्लड डोनर हैं वो अपने साथ रखें ताकि डॉक्टर अगर आपकी बच्चेदानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस दौरान वो आपकी ब्लड ना होने की वजह से जल्दी जल्दी आपकी यूट्रस रिमूव करने की कोशिश ना करें, उनके पास टाइम हो कि वो आराम से यूट्रस के ऊपर जो है वो स्टिचेस लगा के ब्लीडिंग को सिक्योर करें और अगर ना हो तो आपकी जान को ख़तरा दिए बगैर आपकी यूट्रस को जो है वो रिमूव कर सकें। जो आवल का नीचे होना होता है इसके अंदर बच्चे को सिर्फ एक ही ख़तरा हो सकता है, वो ये कि आपकी वक़्त से पहले डिलीवरी करनी पड़ सकती है, यानी टाइम से पहले आपको जो है वो दर्दें लग जाएं तो ज़ाहिर आवल नीचे है तो अब बच्चा दर्दें रोक नहीं सकते। अगर हम नहीं वो दर्दें जारी रहेंगी तो आवल फट के बच्चा उसके थ्रू बाहर आएगा तो बहुत मैसिव हैमरेज होता है जिससे कि माँ की जान भी जा सकती है। तो जो लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया इसको आम जुबान में कहती हैं कि ये हाई रिस्क कंडीशन होती है। जिस भी मरीज़ को ये मसला हो वो किसी छोटे डॉक्टर को ना चेकअप कराए, प्रॉपर कंसल्टेंट को चेकअप कराए, क्योंकि इसके अंदर माँ और बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। अपने ब्लड ग्रुप अपनी एचबी को मेंटेन करके रखें, अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में एडमिट हों ताकि आपको शॉक की कंडीशन ना हो और अगर ज़रूरत हो तो आपको डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकें। और इसके अलावा हर वक्त 4 से 5 डोनर और एक अच्छा डॉक्टर जिसके पास प्रॉपर टीम हो वो आपको आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि सेफली आपकी डिलीवरी की जा सके। और अगर एक दफ़ा आपकी आवल नीचे हो जाती है तो अगली दफ़ा 3 से 4% ज़्यादा चांस होता है कि आपकी आवल नीचे होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर एक दफ़ा नीचे है तो हर दफ़ा नीचे होगी। तो इस चीज़ को लेके आप परेशान ना हों, ये एक बड़ा ही मुश्किल कंडीशन होती है तो इसके ऊपर अवेयरनेस देना ज़रूरी था। इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।